दिल्ली गाजियाबाद मंडोला 20 माह से संघर्षरत किसानों के सब्र का टूटा बांध। प्रशासन व किसानों का हुआ आमना सामना। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत मंडोला किसान आंदोलन के हजारों किसानों ने खेत जोतने का जो संकल्प लिया था, आज दिनांक 15 अगस्त 2018 को अपने ट्रैक्टर सहित पहुंचे तो प्रशासन ने उन्हें बैरियर लगाकर रोक दिया। पूरे जनपद का प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एसडीएम, पुलिस फोर्स के साथ उपस्थित रहे, जहां किसान नेता मनवीर सिंह तेवतिया से प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने कल रात 9 बजे बातचीत की, जहां प्रशासन का कहना था कि अपने खेतों पर किसान जुताई ना करें, परंतु किसानों का कहना है जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। आज खेत जुताई के लिए जाते समय किसानों को नेशनल हाईवे पर पुलिस प्रशासन ने अपने दल बल के साथ बैरियर लगाकर रास्ता रोक दिया। वहीं आक्रोशित किसान नेशनल हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए, जहां पुलिस बल व आंदोलनरत किसानों के आमने सामने पड़ाव हैं। धरना स्थल पर मनवीर सिंह तेवतिया ने झंडारोहण कर अपने 11 साथियों सहित अमर अनशन पर बैठने की घोषणा की। आइए जानते हैं सच्चाई आंदोलनरत मंडोला किसान व उनके समर्थकों से। गाजियाबाद मंडोला की इस खास खबर के साथ वर्षा गुप्ता। हम मर्जी देश के लिए तैयार हैं, आप हमें मार दो उसके लिए तैयार हैं। लाठी बजाओ, डंडे बजाओ, जो चाहे करो। हमारे साथ ये बीजेपी ने करवाया, अगर हम गलत रास्ते पे हैं तो बीजेपी की वजह से हैं। बीजेपी 2-2 लाख रुपए दे के आ गई हमें। ये नंद, ये एंट्री, वो आपके माननीय राजनाथ जी, माननीय गडकरी जी, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, हाँ मेरी बात झूठी है तो कहो ना, झूठ बोल रहा हूँ मैं राहुल गांधी थोड़ी हूँ। चप्पल में 2 लाख रुपए दे के आए, यहाँ के लिए भी दिए क्या? यहाँ के तो भी सरकार है, दे दे तो बहुत बढ़िया, ले लेंगे हम तो। हमें कोई विश्वास नहीं इस सरकार पे, हमें हमारा कोई विश्वास नहीं। ये सरकार झूठी है, फ्रॉडों की है। यही तो रास्ता बता के, यही तो बैठा गए वीके सिंह। वीके सिंह चुना आता है बताने हमें। वीके सिंह आए, नंदकिशोर गुर्जर आए, बसंत त्यागी आए, वो बताएं हमारा क्या अपराध है, हमें गलत रास्ते पे क्यों डाले गए। अगर ये गलत रास्ता था तो हमें क्यों डाला उन्होंने। 2 दिसंबर 2016 का दिन याद कर लें, वीडियो है सब आपके पास। अहिंसा पर रहना है, हिंसा करने वाले हिंसा करें। हम प्यार का पैगाम देना चाहते हैं, हम उन लोगों को नंगा करना चाहते हैं जिन लोगों ने आकर हमें ये राह दिखाई, जिन लोग जो लोग हमें यहां छोड़कर चले गए रास्ते में कि हमारी लड़ाई ठीक थी। 2 दिसंबर 2016 का याद कीजिए। सारे वो लोग थे जो आज सत्ता में बैठे हैं, सारे कह रहे थे कि तुम्हारी बात सही है, और आज वही सारे लोग पिटवाने के लिए तैयार हैं हमें। हमें उनका उनके मुंह से नकाब नोचना है, उनके मुंह से नकाब उतारना है। लड़ाई हमारी पुलिस से, दरोगा से, कोतवाल से नहीं है। लड़ाई हमारे भाजपा के उन नेताओं से है, उन झूठे लोगों से है जो हमें गलत रास्ते पर डाल गए, अगर ये रास्ता गलत है तो। और अगर रास्ता सही है तो लोग आते क्यों नहीं है? हमारा अधिकार क्यों दबाए बैठे हैं? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। प्रधानमंत्री जी, बहुत सफाई की बात करते हो, बहुत दुनिया को बहकाने का काम कर रहे हो। दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तैयार हो जाइए।
तैयार हो जाइए झोला लेकर, आपको जाना पड़ेगा जल्दी बनाओ में। ये हिंदुस्तान का किसान अब दोबारा इस चौकीदार को नहीं देखना चाहता है। वही चाहिए ऐसा चौकीदार और भागीदार जो किसानों को लूटता हो, किसानों पर गोलियां चलवाता हो। क्या चाहिए ऐसा भागीदार? क्या चाहिए ऐसा चौकीदार? अगर प्रधानमंत्री में जरा भी शान हो तो 15 अगस्त को झंडा फहराने से पहले यहां जवाब देकर जाए, राहुल गांधी नहीं है हम भारत।